दिल्ली से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, केजरीवाल सरकार पे एक मेरा सवाल है। केजरीवाल सरकार ने, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी एक दावा किया कि हमने एक फ्लाईओवर बनाया है सीलमपुर से शास्त्री तक, फ्लाईओवर जो बनाया हमने उसमें 53 करोड़ रुपये हमने बचाए। कितना दावा उनका ठीक है? देखिए, होता क्या है कि केजरीवाल इस दुनिया का एक नंबर का झूठा इंसान है, धोखेबाज इंसान है। वो, उसको मालूम है कि कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, उसको कभी भी नार्को टेस्ट की मशीन पर नहीं बिठाएंगे जिससे उसका झूठ साबित होगा। उसे मालूम है वो जितना मर्जी झूठ बोलता रहे और वो लोगों को इस तरीके से गुमराह कर पाएगा। उन्होंने एक फ्लाईओवर पहले भी, आज से 3 साल पहले, एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था विकासपुरी में, और उन्होंने कहा था कि हमने इस फ्लाईओवर में 100-125 करोड़ रुपये बचाए। जब मैंने उसके बाद में उसकी जानकारी मांगी तो पता लगा कि जो उसकी चौड़ाई और लंबाई थी वो इस सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उसको ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। तो जब चौड़ाई और लंबाई फ्लाईओवर की कम हो जाएगी तो स्वाभाविक उसका जो दाम है, जो उसका वैल्यू है, वो कम हो जाएगा, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे ही ये जो इन्होंने शास्त्री पार्क में जो फ्लाईओवर बनाया है, इसमें भी मैंने जब जानकारी मांगी तो मुझे पता लगा इसमें जो जो आवश्यकता उनको, जो जो सुविधाएँ देनी थी उसमें इन्होंने कटौती करी। जब कटौती करी तो स्वाभाविक है कि उसका जो लागत है वो भी कम आ जाएगी। अब ये पहले कटौती करते हैं ये तो बताते नहीं हैं कि पहले फ्लाईओवर किन टर्म्स कंडीशन में, किन सुविधाओं के साथ में उसका टेंडर हुआ था, और आज उन्होंने क्या क्या टेंडर में से किन बातों को निकाल दिया है, और जिन बातों को निकाल दिया उससे लागत कम हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल जानता है कि उसको कैसे लोगों के दिमाग के साथ में खेलना है। जिस तरीके आज हम देख रहे हैं पॉल्यूशन बहुत है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि कोई पराली नहीं जलाई जाएगी, पराली नहीं जल रही है फिर भी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। इससे ये बात साबित होती है कि पराली से केवल दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं हो रहा था। तो केजरीवाल ने पिछले सालों में दिल्ली के लोगों के दिमाग में एक बात ये डाल दी कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो हरियाणा की पराली जलने से हो रहा है। दूसरी बात, उन्होंने 15 दिन में ये डाल दी दिल्ली के लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, लोगों की, जनता की जेब से दिल्ली सरकार अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देकर रेड लाइट पे खड़े कर रही है। वो प्ले कार्ड लेके खड़े हो रहे हैं कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो लोगों को जब वो गाड़ी में बैठे होते तो उनको लगता है कि जो पोल्यूशन है केवल उन्हीं की गाड़ी चलने से हो रहा है। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के दिमाग में दो बातें डाल दी, एक तो जो पॉल्यूशन हो रहा है वो या तो पराली से हो रहा है या लोगों की जो गाड़ियाँ चल रही है उससे हो रहा है।